हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, यह है अपना प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा, साइंस का है। रेलवे ग्रुप डी के पेपर्स कर रहे हैं और ये पेपर है 17/9/2018 की शिफ्ट थर्ड का पेपर है। तो शुरुआत करेंगे अपने आज के पहले क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो हार्मोन प्रोड्यूस्ड होता है किसके अंदर, पौधों के अंदर। पौधों के अंदर जो हार्मोन प्रोड्यूस्ड होता है ड्यू टू विच द स्टेम बॉन्ड्स टुवर्ड सनलाइट, जिसकी वजह से जो तना है सूर्य की तरफ झुक जाता है, वो कौन सा हार्मोन होता है। उस पौधों के अंदर कौन सा हार्मोन होता है जिसकी वजह से जो तना होता है उसका सूर्य की तरफ झुक जाता है। तो वो आंसर हो जाएगा अपना ऑक्सिन हार्मोन। जिब्रेलिन होता है, एक वर्दी हार्मोन होता है। दो ऑप्शन और है, साइटोकाइनिन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड हम जानते ही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा, जिसकी वजह से पौधे होते हैं सूर्य की तरफ झुक जाते हैं। वर्दी हार्मोन पूछे किसकी वजह से वर्दी होती है, तो आपको आंसर बताना है जिब्रेलिन एक वर्दी हार्मोन होता है किसके अंदर, पौधों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके 25 ग्राम के अंदर कितने मोल्स होंगे। अगर हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, उसका फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का मास होता है 1, सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का मास होता है 16। अब ध्यान दीजिएगा, दो ऑक्सीजन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, 2 हो गए। सल्फर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाइड कर दिए, 32 सल्फर के हो गए। ऑक्सीजन के 4 है तो 4 से गुणा कर दो, 64। तो टोटल कितना हुआ, 4 2 6 2 4 2 6 6 2 8 6 3 9 98 ग्राम। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब इसका टोटल मास कितना है, 98 ग्राम। 98 ग्राम के अंदर जो मास होएगा वो होता है 1 मोल। अपने से पूछा गया 25 ग्राम, तो 25 ग्राम के अंदर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसको अप्रोक्सीमेट आप 100 ले लीजिएगा। 100 ग्राम के अंदर कितना है, लगभग आपके पास 1 मोल, या आप इसको ये रहने दो, 1 ग्राम के अंदर ले लीजिएगा, 1 ग्राम के अंदर हो जाएगा 1/98। 25 ग्राम के लिए 25 से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तो इसके अंदर लगभग आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट 1/4, यानी 1/4 के लगभग जो आपका आंसर होता है वही आपका आंसर हो जाएगा, 0.255 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका आंसर देंगे। चंद्रमा के ऊपर वेट होता है वो पृथ्वी के वेट का कितना गुना होता है, क्वेश्चन ये पूछा है। पृथ्वी के ऊपर आपका यदि वेट 600 न्यूटन है, तो पृथ्वी किसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर आपका वेट 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा के ऊपर आपका जो वेट होगा वो हो जाएगा डायरेक्ट 1/6, यानी 100 न्यूटन होएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/6 न्यूटन। अब ध्यान दीजिएगा, वेट की जो यूनिट होती है, वेट एक सदिश राशि है जिसको अपन वेक्टर बोलते हैं। इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन होती है, ध्यान दीजिएगा न्यूटन होती है। मास होती है जिसको हम द्रव्यमान बोलते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है केजी, किग्रा में। दोनों के अंदर कन्फ्यूज नहीं होना, द्रव्यमान की यूनिट होती है केजी और जो वेट भार होती है इसकी यूनिट होती है न्यूटन। आंसर हो जाएगा 1/6। एक पार्टिकल होता है किसी मीडियम के अंदर 40 वाइब्रेशन करता है 2.5 सेकेंड के अंदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। तो 2.5 सेकेंड के अंदर वो करता है 40 वाइब्रेशन, तो 1 सेकेंड के अंदर कितना वाइब्रेशन करेगा, 40/2.5, पॉइंट को हटा देते हैं ऊपर 0, तो 25 का 100 के अंदर चला जाएगा 4 बार 4 × 4, यानी 16 बार करेगा 1 सेकंड के अंदर, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 16 हर्ट्ज, अपना आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा ग्रुप होता है जो नॉन रिएक्टिव गैसेज का होता है, यानी अक्रिय गैसेज का होता है, या कहे तो नोबल गैसेज का होता है। तो कौन सा ग्रुप होता है, वो होता है ग्रुप नंबर 18, जो लास्ट का ग्रुप होता है अपना पीरियोडिक टेबल वाला, वो कहलाता है ग्रुप नंबर 18। 17वां कहलाता है हेलोजन ग्रुप। नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम की बात करेंगे, मैग्नीशियम कितने पे आता है, 12 नंबर पे आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8 और 2, यानी पहली कक्षा के अंदर 2, दूसरी के अंदर 8, तीसरी के अंदर हो जाएंगे 2, थर्ड कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें देखिएगा आउटरमोस्ट शेल के अंदर 2 किसके अंदर होते हैं, तो इसके विन्यास हो जाएगा 2 और 2, इसका होगा 2, 8, 1, इसका हो जाएगा 2, 8, 3, इसका हो जाएगा 2, 8, 8, 1। तो आउटमोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ओनली इसमें है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसी का। तो इसकी संरचना मैग्नीशियम के समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स दैट ए न्यूट्रॉन एग्जर्ट्स ऑन ए प्रोटॉन इनसाइड एन एटम इज, मतलब एटम के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स होता है दोनों के बीच में, वो बताना है कि वो फोर्स कौन सा है। तो अपना जो आंसर होएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स होता है दोनों के बीच के अंदर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो एटम के अंदर जिस फोर्स के द्वारा बंधे हुए रहते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद टू फॉर्म ए सॉल्यूशन ऑफ ए टेबल साल्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, रिएक्ट्स किसके साथ में रिएक्शन करेगा,
कि ताकि अपने को एक टेबल साल्ट मिल जाए, यानी अपने को NaCl मिल जाए। तो अक्स है किसके साथ रिएक्शन करेगा, HCl के साथ में, तो अपना जो आंसर हो जाएगा HCl के साथ में, तो Na और Cl बन जाएगा, साथ में अपने को H2O मिल जाएगा। तो HCl के साथ में रिएक्शन करेगा तो अपना आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ए सेल ऑफ मास 0.04 kg इज फायर्ड बाई ए गन, एक बंदूक है उससे एक गोली दागी जाती है जिसका मास ये है, ये है गोली का द्रव्यमान, ठीक है, गोली का द्रव्यमान है और बंदूक का द्रव्यमान है ये, ये है बंदूक का द्रव्यमान। अब ये कहता है कि जो मजल स्पीड ऑफ द सेल, जो गोली है, गोली की स्पीड है, गोली इस स्पीड से आगे की तरफ बढ़ती है, तो ये पीछे की तरफ बंदूक की स्पीड क्या रहेगी, तो इसमें आपको मोमेंटम का रूल लगाना है, m1v1 = m2v2, ठीक है, m1v1 ले लीजिएगा आप गोली के लिए और m2v2 ले लीजिएगा आप बंदूक के लिए, ठीक है, ये बंदूक के लिए हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, m1 गोली के लिए हो गया 0.04 इंटू v1, गोली का वेग कितना हो गया 90, इक्वल टू m2 कितना है, m2 है 120 इंटू v2 कितना है, v2 अपने को निकालना है, तो v2 निकालेंगे तो 120 यहाँ आ जाएगा नीचे, ये यहाँ से नीचे आ गया, 0.04 है नीचे हो जाएगा 100, 30 का यहाँ गया 3 बार, 30 का यहाँ गया 4 बार, 4 से 4 कैंसिल, 3/100 गया, तो 3 × 10^-2 हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा, 3 × 10^-2 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द फ्लो ऑफ इज एंटी क्लॉकवाइज इन द गिवन सर्किट, मतलब जो फ्लो होगा किसके एंटी क्लॉकवाइज होगा इसके अंदर सर्किट के अंदर, ध्यान दीजिएगा करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसके एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, तो इसके एंटी क्लॉक यानी इसके जो अपोजिट होगा वो होगी इलेक्ट्रॉन्स। द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट यानी डी एंड फोर्स अप्लाइड व्हेन नो वर्क इज जीरो, जब कार्य जीरो हो तो एफ और डी के बीच के अंदर एंगल कितना होएगा, तो कार्य की डेफिनेशन हम देते हैं एफ डी कॉस ऑफ थीटा से, कार्य जीरो है, जीरो इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा हो गए। अब ध्यान दीजिए जीरो एंगल कब होएगा, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो आपका कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, यानी जो थीटा एंगल है वो है 90 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस सेल्स आर लूजली पैकेज सो दैट लार्ज इंटर सेलुलर स्पेस आर फाउंड, यानी किसके अंदर सेल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली तरीके से पैक किए हुए रहते हैं ताकि उनको डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा इंटर सेलुलर स्पेस मिल जाए, तो अपना आंसर हो जाएगा पेरेन्काइमा, ये एक टिश्यूज होते हैं। वेव्स प्रोड्यूस्ड एट द बॉटम ऑफ द सी ड्यू टू एन एक्सप्लोजन आर, एक्सप्लोजन के कारण समुद्र के तल में यानी बॉटम के अंदर जो तरंगे उत्पन्न होती है वो कौन सी होते हैं, तो समुद्र के अंदर एक्सप्लोजन की वजह से जो तरंगे होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल, जिसको बोलते हैं अपन अनुदैर्ध्य तरंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। साउंड वेव्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है और लाइट वेव होती है वो होती है अपनी ट्रांसवर्स वेव्स, ध्यान दीजिएगा दोनों का। द सफिक्स अटैच टू ए हाइड्रोकार्बन एंडिंग विद ए कीटोनिज, कीटोन के साथ में जो सफिक्स ऐड होता है उसको क्या बोलते हैं, कीटोन के लिए अपन लेंगे 1, ठीक है, थोड़ा स्पीडली करूँगा, थोड़ा नॉइज आएगी इसलिए देखिए। मेल जर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी, जो मेल जर्म होते हैं वो किसके अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं, वो होते हैं वृषण के अंदर, तो अपना आंसर हो जाएगा टेस्टिस, ये टेस्टिस किसके अंदर होते हैं, वो स्कॉटम के अंदर स्टोर होते हैं, जिसको अपन बोलते थे थैली बोलते हैं ना, वो होता है स्कॉटम, ठीक है। प्रोस्टेट हो गया, वास डिफरेंस हो गया, तो जो मेल जर्म होते हैं जिसे अपन बोलते हैं स्पर्म्स, वो किसके अंदर उत्पन्न होते हैं, वो होते हैं टेस्टिस के अंदर। नेक्स्ट आगे देखते हैं द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू, जो 57 नंबर का एटॉमिक तत्व होता है वो किससे बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है अपने डी ब्लॉक से, ध्यान दीजिएगा अपने इस तरीके की पीरियोडिक टेबल होती है, यहाँ होता है एस, यहाँ होता है पी, यहाँ होता है डी और नीचे जो दो लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं अपन ए ब्लॉक्स। बॉडी रोलिंग डाउन ऑन ए हिल एज, जो बॉडी हिल से रोलिंग करते हुए नीचे आती है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो दोनों एनर्जी उसके अंदर स्टोर रहेगी, ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ये। ये कह रहा है कि 9800 जूल ऑफ एनर्जी वाज स्पेंड टू राइज ए मास ऑफ 70 kg, 70 kg के मास को ऊपर उठाने के लिए इतना आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ी, तो मास बताइएगा कितने हाइट तक ऊंचा उठा, तो आप ले लीजिएगा 9080 जूल है, इसको कर दीजिएगा mgh के इक्वल, m कितना है, ये हो गया 9800, m कितना है, मास कितना है 70 × 0 अप्रोक्सीमेट 10 ले लीजिएगा, हाइट ये 0 हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो गए, 98/7 हो जाएगा यानी एच हो जाएगा और एच की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 14 आपका आंसर हो जाएगा 14 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, ध्यान दीजिएगा कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर यानी W/T ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है पावर, ध्यान दीजिएगा पावर, कार्य करने की दर होती है वो पावर कहलाती है और कार्य करने की क्षमता होती है वो एनर्जी कहलाती है।
After explosion of a cell, many pieces fly up in different direction. In such a case, what is conserved? मतलब इसके मतलब क्या कहते हैं कि एक्सप्लोजन के बाद में जो कण है सेल्स है अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो उनके अंदर क्या संरक्षित रहते हैं, तो उनके अंदर जो संरक्षित रहते हैं मोमेंटम स्ट्रेंथ। थोड़ा स्टेटमेंट हो गया, दो चार क्वेश्चन है क्योंकि साइड में अपन जानते हैं जागरण वगैरह हो रहे हैं, फटाफट कर लेते हैं। बैंकिंग पाउडर इज मिक्सचर ऑफ, बैंकिंग पाउडर होता है किस किस का मिश्रण होता है, तो बैंकिंग पाउडर जो मिश्रण होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। वैलेंसी ऑफ क्लोरीन विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, क्लोरीन के अंदर वैलेंसी कितना होता है, क्लोरीन 17 पे होता है तो ये होता है 2 8, कितना 8 2 10 10 7 17, तो कितने वैलेंसी हो जाएंगे 7, अपना आंसर हो जाएगा। तो ये था एक वीडियो, पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था इसलिए थोड़ा स्पीडली कर दिया इसको।